एनएच आर्डन कॉरपोरेशन हैज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ $3 million एंड 40% टैक्स रेट. अब ईबीआईटी देखें, क्वेश्चंस को मेंशन करते जाते हैं चीजों को कि जो ईबीआईटी है हमारे पास वो कितना है, 3 मिलियन, और उसके साथ क्या है, टैक्स रेट क्या है हमारे पास, 40% है. इट इज एबल टू बारो एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%. ठीक है, तो यानी ये अगर लोन लेना चाहे तो 14% पे से लोन मिल सकता है. वेयर एज इट्स इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इन द एब्सेंस ऑफ बोरोइंग इज 18%. अब देखें इसका मतलब क्या है, देखो स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है. इट मींस कि अभी जब ये फर्म की हम बात कर रहे हैं जो ई और ए है, इसके अंदर डेट अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इट इज एबल टू बोरो. एक बात तो ये, अगर अभी हम इसे कह सकते हैं जो ई ए फर्म है हमारे पास, ये अभी करंटली अनलिवर्ड है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिंट है क्लियरली कि ये लोन ले सकती है, लिया हुआ नहीं है, इसका मतलब जी. और इस वक्त जो इसका इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है यानी के ई है जो अनलिवर्ड, वो कितना है, 18%. तो मतलब अगर के ई अनलिवर्ड है और ये अनलिवर्ड फर्म है, तो जो के ई है वही इसका वैक भी है और इसका के नॉट भी है. ठीक है, या आर नॉट भी इसे कह सकते हैं. द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो एंड ऑल अर्निंग्स आर पेड आउट टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. यानी जैसे हमने पढ़ा हुआ पहले के जो हमारी अर्निंग्स हैं वो डिविडेंड के तौर पर जाती हैं, अजम्पशन से हमने यही ली हुई है. इन द प्रेजेंस ऑफ कॉर्पोरेट बट नो पर्सनल टैक्सेस. कॉर्पोरेट टैक्सेस तो हैं जैसे कि हमने ये 40% पढ़ा हुआ है, बट नो पर्सनल टैक्सेस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन एन एमएम वर्ल्ड विद नो फाइनेंशियल लिवरेज. यानी अब हमने देखो क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म अनलिवर्ड जो ई ए फर्म है. ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन की देखिए 5 लाइन्स पढ़ के हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ई बी आई टी है, ठीक है, इसमें से अगर हम इसको बल्कि मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस टैक्स से ही डायरेक्टली, तो हमारे पास अर्निंग्स आ जाएंगी आफ्टर टैक्स, और उसको कैलकुलेट कर लें, डिवाइड कर लें के ई अनलिवर्ड, या इसको कह लें वैक पे, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी. अब ई बी आई टी हमारे पास कितना है, 3 मिलियन है. ठीक है, ये 3 मिलियन में लिख लेता हूँ. 1 माइनस 0.40 टैक्स रेट जो है, और के ई जो है हमारे पास वो कितना है, 18%. ठीक है, कैलकुलेट करें, देखें क्या आंसर आता है आपके पास. डिवाइडेड बाय 0.18 इट बिकम्स 10 मिलियन. एक करोड़ जिसे हम कहते हैं, 10 मिलियन, ये क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म अनलिमिटेड. और ये जो चीज़ हमने लिखी है इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं आपके समझने के लिए. ई बी आई टी आपके पास कितना है, 3 मिलियन है. इंटरेस्ट इसमें है नहीं क्योंकि ये अनलिमिटेड फर्म है. उसके बाद टैक्स इसमें 40% है, ये आ जाएगा 12 लाख. जब इसका 40% लेंगे तो आपके पास जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जिसको हम नेट इनकम कहते हैं, ये आ जाएगा 18 लाख. और अब ये अजम्पशन भी है और बता भी दिया है कि जो भी अर्निंग्स है वो क्या है, डिविडेंड है. तो ये आप अगर डायरेक्टली ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं वो 1800,000 यानी 18 लाख पे ले आएंगे. ठीक है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, नेट इनकम ओवर के ई या के नॉट जो अनलिवर्ड का है. ठीक है, ये फार्मूला यूज हुआ और ये फार्मूलाज हमने पहले लिखे हुए हैं आपके पास फार्मूलाज की लिस्ट में, लेक्चर 1 और 2 में मैंने आपको लिखवा दिया. तो ये है जी आपके पास अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू. होपफुली ये आपको क्लियर होगा. ये थी हमारे पास रिक्वायरमेंट 1 यहाँ तक. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंपनी इन एन एमएम वर्ल्ड विद नो फाइनेंशियल लिवरेज, यहाँ तक.
अब बताया जाता है विद 4 मिलियन इन डेट एंड विद 7 मिलियन इन डेट, तो तब जो है ना इसकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, यानी अब इसमें लिवर्ड फर्म का जिक्र किया जा रहा है। तो अब देखें वैल्यू ऑफ द फर्म लिवर्ड, यानी अगर इसके अंदर डेट शामिल किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म इफ 4 मिलियन डॉलर्स डेट, एक सिचुएशन हमारे पास ये। अब लिवर्ड फर्म ये जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म अनलिवर्ड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट टैक्स शील्ड, ठीक है। तो उसमें हम देखो ये तो हमारे पास हो गया जी 10 मिलियन जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है प्लस, अब इसके लिए कैलकुलेशन क्या है गौर से देखें, हमने याद करें कॉर्पोरेट टैक्स इनटू रेट यानी डेट और इनटू बी यानी डेट, ये रेट ऑफ डेट है, ये कॉर्पोरेट टैक्स है, ये बी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिए आर पे डिवाइड करते हैं, ये देखें ये कैंसिल हो जाता है, तो मल्टीप्लायर क्या बन जाते हैं, ये टैक्स रेट को डेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट टैक्स शील्ड बन जाता है। तो हमारे पास जो टैक्स रेट है वो 40% है और डेट कितना है 4 मिलियन, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म बन जाएगी यहाँ पे 4 मिलियन इंटू 0.4, ये आ रहा है हमारे पास 1600,000 प्लस 10 मिलियन, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 11,600,000, राइट। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर डेट 7 मिलियन हो जाए तो फिर क्या होगी, तो जस्ट आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट यही होगा जो हमने यहाँ पे किया है, सिर्फ यहाँ यहाँ 4 मिलियन था 7 मिलियन हो जाएगा, बस बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। प्लस अगेन वही 10 मिलियन इन केस के अगर डेट आपके पास 7 मिलियन, तो यहाँ पर ये 10 मिलियन एंड प्लस ये हो जाएगा 28,07,000 2.4 28 लाख प्लस 10 मिलियन ये हो जाएगा जी 12,800,000। तो ये आपके पास क्वेश्चन, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं भी होती, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से हैं, सारे चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ये जहन में रहेंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये भी जो FM Wenham की बुक है वहीं से लिया गया है। The Lex Cographer Dictionary Company has net operating income of 10 million. अब net operating income means earning before interest and taxes and 20 million of debt with a 7% interest rate. यानी वैल्यू ऑफ जो डेट है वो 20 मिलियन है और जो कास्ट ऑफ डेट है वो 7% है और जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 10 मिलियन है। द अर्निंग ऑफ द कंपनी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो एंड ऑल अर्निंग्स आर पेड आउट टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स इन ऑल केसेस अज्यूम नो टैक्सेस यूजिंग द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच विद एन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 12.5% एट the 20 million dollars debt level compute the total value of the firm kya calculate karna hai total value of the firm and implied overall capitalization rate yani k naught jise kehte overall capitalization rate to ab dekhiye hum isko solve karte hain requirement a
और उन्होंने कहा कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसके बारे में भी बात करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, ये है हमारे पास अब नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो है हमारे पास 10 मिलियन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेंशन कर देते हैं 10 मिलियन इन डॉलर्स। नाउ क्योंकि अब इस फर्म के अंदर क्या डेट शामिल है, उन्होंने बता दिया है कि 10 मिलियन ऑपरेटिंग इनकम है और 20 मिलियन डेट है, तो इसका मतलब है अगर डेट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जो डेट है वो है 20 मिलियन और जो रेट है वो क्या है 7%। कैलकुलेट करते हैं इसको, 20 मिलियन पे 7%, तो ये बन रहा है जी 1400,000 माइनस करेंगे अर्निंग्स बिफोर टैक्स, $86,000। अब उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इन ऑल केसेस ज्यूम देयर आर नो टैक्सेस, तो इसका मतलब है जब टैक्स नहीं है तो ईबीटी जो है यही हमारी क्या है नेट इनकम है, और ये भी हमें पता है कि ऑल अर्निंग्स गोज टू शेयर होल्डर्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, ठीक है, ये मेंशन भी उन्होंने किया हुआ है, पेड आउट टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, तो ये हमारे पास नेट इनकम है, इसे डिविडेंड कह लें जो भी इसे नाम लें। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूएशन है वो हम किस तरीके से करेंगे वो आप आपको देखना है। सबसे पहले देखो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है, यानी जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एक नेट इनकम ओवर के ई, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इन द बॉक्स आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमें ये चीजें कैसे पड़ी हुई हैं। हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी का फार्मूला फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, नेट इनकम ओवर के ई, और इन केस अगर हमें के ई चाहिए हो तो हम क्या कर लेते हैं नेट इनकम ओवर वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर सपोज कि ये हमारे पास जो बातें दो मैंने लिखी हैं ये अनलिवर्ड फर्म की होती हुई, किसकी अनलिवर्ड फर्म की, तो यही चीज़ क्या होती वैल्यू ऑफ द फर्म अनलिवर्ड बन जाएगी जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है नेट इनकम वही, और ये के ई जो मैंने लिखा है तो ये के ई इज इक्वल टू के नॉट भी है क्योंकि इसमें और तो कोई कास्ट नहीं है सिर्फ के ई ही है, और यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो के ई अनलिवर्ड है, ठीक है, अगर वो कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं नेट इनकम ओवर वैल्यू ऑफ द फर्म अनलिवर्ड लिख सकते हैं, जहाँ वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने लिखा है अगर ये क्या है अनलिवर्ड डाटा है, तो ये यानी रिप्लेस हो सकती है चीजें। तो इन केस यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास, अब मैं यहाँ पर इस जगह पे वैल्यू ऑफ द फर्म अनलिवर्ड नहीं लिख सकता क्योंकि इसमें डेट शामिल है, तो यहाँ पर इस फार्मूला का रिजल्ट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है वैल्यू ऑफ इक्विटी ही आ सकता है। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 8600,000 डिवाइडेड बाई के ई, अब के ई जो है ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, देखिए यूजिंग द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच विद एन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 12.5% इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के ई, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.125, 12.5%, ठीक है 12.5%। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है
वो है डॉलर 688 एंड पेंटा जीरोस। तो इसको हम कह सकते हैं 68,800,000 डॉलर्स। ठीक है, तो ये हमने क्यों कैलकुलेट किया है? उन्होंने हमसे ये पूछा कोई नहीं है कि वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करें, उन्होंने हमसे सिर्फ ये पूछा है कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इम्प्लाइड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अगर आपको याद हो तो वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए हमें फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी भी चाहिए और वैल्यू ऑफ डेट भी चाहिए इनको सम अप करने के लिए। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अब हमने फाइंड कर लिया ये है। तो वैल्यू ऑफ डेट उन्होंने हमें बताई भी ऑलरेडी, 20 मिलियन है, वो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये बता दिया है। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो बन गई। अब ये वैल्यू ऑफ द फर्म किसकी है? लिवर्ड फर्म की, क्योंकि डेट भी है इसमें। ठीक है, तो ये है 88,800,000, ये है जो वैल्यू ऑफ द फर्म रिक्वायरमेंट वन जिसे हम कह लें, ये जो हमारे पास की मैंने कैलकुलेशन की। उसके बाद है इम्प्लाइड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, के नॉट इसे कह लें या इसे हम वैब कह लें, लेकिन ये क्या होगा? लिवर्ड फर्म का। अब वैग का फॉर्मूला जो के लिवर्ड फॉर्म है, के ई, उसके बाद हमारे पास एस और बी प्लस एस, यानी एस को हम इक्विटी कहते हैं और बी को डेट कहते हैं। ठीक है, और फिर प्लस के डी वन माइनस टी, फार्मूला में हम यही लिखते हैं, बी डिवाइडेड बाय वी प्लस एस। राइट, इसको आप अपनी आसानी के साथ समझने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के ई इक्विटी डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी एंड देन के डी वन माइनस टी, और यहाँ डेट और यहाँ डेट प्लस इक्विटी। अब ये क्या है? ऐसी टर्म है जो आप आसानी के साथ समझ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप बुक्स ओपन करते हैं तो वहां पर आपको ये टर्म्स कम नजर आती हैं, ये ज्यादा नजर आती है, तो वहां पे आपको कन्फ्यूजन होती है। तो समझने के लिए आप ये कोई भी यूज कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल। अच्छा जी, के ई अब हमने कैलकुलेट किया हुआ था जो क्वेश्चन में गिवन भी है, बल्कि 12.5%, तो 0.125। इक्विटी की वैल्यू ये हमने अभी कैलकुलेट की है 68,800,000। अब मैं यहाँ पे ये जो थाउजेंड है ना ये कॉमन ले रहा हूँ, 68,800 ले रहा हूँ। अब देखें ताकि आपको ये तरीका भी आना चाहिए, इक्विटी की जो वैल्यू है 68,800, मैं तीन जीरोस कॉमन ले रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। डेट प्लस इक्विटी मीन वैल्यू ऑफ द फर्म, तो वैल्यू ऑफ द फर्म ये है 88,800, क्योंकि तीन जीरोस कॉमन ले रहा हूँ, 88,800 प्लस के डी। तो के डी हमें गिवन है जो कि इसका रेट है हमारे पास 7%, यहाँ देख सकते हैं, और टैक्सेस जहाँ है नहीं तो ये हमारे पास एग्जैक्टली क्या रहेगा, 0.07। और डेट हमारे पास क्या है? 20 मिलियन है, तो मैं उसे 20,000 लिख रहा हूँ, तीन जीरो जो और हैं वो कॉमन है, और यहाँ पे अगेन 88,800। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास देखते हैं कि क्या वैल्यूज आते हैं। फर्स्ट वन 68,800 डिवाइडेड बाय 88,800 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.125, दिस बिकम्स 0.0968 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाय 88,800 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.07, दिस बिकम्स 0.0158, इसे राउंड करके लिख लेते हैं, देन 0.0968 प्लस 0.0158, तो टोटल जो अब हमारी कास्ट ऑफ कैपिटल या वैक बना इन परसेंटेज फॉर्म 11.26%। तो ये है जी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट वन है, समझ ले
उसके दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। एक वैल्यू ऑफ द फर्म उन्होंने कहा था हमें कि कैलकुलेट करें, और दूसरा ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जिसे हम के नॉट बोल दें या वैक बोल दें। तो ये हमारा आंसर है इंफॉर्मेशन ए या क्वेश्चन रिक्वायरमेंट ए का। बी में क्या कहा जाता है, नेक्स्ट एज्यूम दैट द फर्म इश्यूज एन एडिशनल 10 मिलियन डेट। अब जरा इंफॉर्मेशन को अपने गौर से समझना है, ये थ्योरीज है, इनको प्रूव करना होता है हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 मिलियन एडिशनल डेट ले रहे हैं, यानी पहले हमारे पास 20 मिलियन डेट था, अब 10 मिलियन डेट हमारे पास और आ रहा है इन डेट। एंड यूजेस द प्रोसीड्स, अब इसको क्या करेंगे डेट लेके, टू रिटायर द कॉमन स्टॉक। अगेन एजम्पशंस रिकॉल करवा दो कि हम टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं करते, जस्ट कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं, यानी हम शेयर्स बेच देंगे, शेयर्स वापस ले लेंगे, रिटायर कर रहे हैं, और डेट को क्या कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे। ऑल्सो अज्यूम दैट, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट आर रेट रिमेन द सेम एज इन पार्ट ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट है वो क्या रहे, 7%, और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट मीन के नॉट वो कितना रहे जैसे पार्ट ए में था, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है 11.26%, ये कैलकुलेट किया है हमें रिक्वायरमेंट ए में। ठीक है, ये सेम रहे, तो क्या कर रहे हैं जी, कंप्यूट द न्यू टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड न्यू इम्प्लाइड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करें और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी के ई कैलकुलेट करें। ठीक है, डेट बढ़ गया है और वैल्यू ऑफ द फर्म भी नहीं कैलकुलेट करें, ये दोनों लिवर्ड है चीज़। ठीक है, क्योंकि डेट शामिल है, 20 की बजाय 30 मिलियन होगी। अच्छा जी, अगेन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट बी, नेट ऑपरेटिंग इनकम, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वह है 10 मिलियन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 10 मिलियन। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा है कि ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो आप क्या करें, सेम रखें। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट को क्या करें, सेम रखें, तो फिर हमारे पास ये क्या सिचुएशन होगी। तो जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है यानी वो है हमारे पास के नॉट, जिसे हम वैक कहते हैं। ये नॉट जो है हमारे पास वो है 11.26%। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक ये भी फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अगर हम डिवाइड कर दें इसको के नॉट पे, तो हमारा आंसर जो आता है वो वैल्यू ऑफ द फर्म आता है। ये फार्मूला आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है ये बेसिकली क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10 मिलियन, और के नॉट है 0.1126, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ द फॉर्म आ जाएगी। रिजल्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फॉर्म लिवर्ड, डिवाइड करते हैं इसको 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.1126, तो ये हमारे पास जो राउंडेड वैल्यू है वो आ जाती है जी
78,800,000 राउंडेड वैल्यू, ठीक है। तो ये है जी वैल्यू ऑफ द फर्म। उसके बाद हमारे पास जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछी है चीजें वो क्या क्या है, कंप्यूट द न्यू टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म एंड न्यू इम्प्लाइड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो न्यू टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हमारे पास ये आ गई 88,800,000। इसके ऊपर भी आपकी आवाज जो है ना वो समझ नहीं आ रही। ओके जी, हम बात कर रहे थे टू कैलकुलेट इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो हमारे पास फार्मूला जो है KE का वो क्या है, नेट इनकम ओवर वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करना हो तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, नेट इनकम ओवर KE, और जब KE फाइंड करना हो तो फिर क्या कर लेंगे, नेट इनकम ओवर वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो ये रिप्लेस हो जाती है वैल्यू। अब हमें देखो क्या चाहिए, एक तो नेट इनकम चाहिए और दूसरा वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने ये फाइंड की हुई है 58,800,000। अब हमें क्या चाहिए, नेट इनकम चाहिए। तो नेट इनकम आप कह सकते हैं जी ये तो हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है ये वाली, ठीक है। बट ये नेट इनकम जो है वो किस तरह से है, ये 20 million ऑफ डेट पे है। हमें अब नेट जो डेट यूज किया हुआ है वो 30 million डेट यूज किया हुआ है। इसका मतलब है हमें ये कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ेगी ताकि हमें 30 million डेट पे पता चले कि जो नेट इनकम है वो कितना बन रही है, ठीक है। तो अब नेट इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। ये देखें यहाँ पे हम वर्कआउट कर लेंगे नेट इनकम के लिए। तो ऑपरेटिंग इनकम जो है, नेट ऑपरेटिंग इनकम ये हमारे पास है 10 million। इसमें से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट जो होगा वो किस पे होगा, 30 million डेट, क्योंकि डेट हमने इंक्रीज कर दिया था, इनटू 7%। तो ये हमारे पास बन जाएगा 21,000,000। अब अर्निंग बिफोर टैक्स इक्वल टू नेट इनकम एंड इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है, क्योंकि टैक्स यहाँ है नहीं। तो ये जब हम माइनस करेंगे यहाँ से, वी गेट 10 million माइनस 21,000। तो ये है जी 79,000 हमारे पास आंसर आ गया, 79,000। तो यहाँ पर हम अब लिख लेंगे 79,000, ठीक है जी। अब हमारे पास KE जो कैलकुलेट होगा वो हम देख लेते हैं। अब ये जहन में रहे कि डेट इसमें शामिल है, तो ये लिवर्ड फर्म का KE, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय 58,800,000। तो ये परसेंटेज फॉर्म में 13.44% That is KE, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कैलकुलेशंस के कुछ वैल्यूज थी जो हमने कैलकुलेट की। अगेन मैं आपको थोड़ा सा सम अप कर दूं पहले फार्मूलाज। जो रिक्वायरमेंट ए में हमने कैलकुलेट किया वो क्या था, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर आप यहाँ पे देख भी लें, होल्ड अ सेकंड, ये देखिए आपने सबसे पहले क्या किया था, रिक्वायरमेंट ए के अंदर वैल्यू ऑफ इक्विटी, उसके बाद वैल्यू ऑफ डेट ऐड किया तो वैल्यू ऑफ फर्म आपके पास आ गया। यही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सबसे पहला काम आपने क्या किया था, वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड की, ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या किया, वैल्यू ऑफ डेट ऐड किया तो फिर आपके पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपने कैसे फाइंड किया, नेट इनकम को डिवाइड किया के ई पे, तो आपके पास क्या आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। उसके बाद वैल्यू ऑफ जो डेट है ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी,
इस तरीके से आपने ये वैल्यू ऑफ द फर्म जो थी वो कैलकुलेट कर ली। जस्ट होल्ड। ये रिप्लेस करते हैं इसको वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है जी, तो ये वैल्यू ऑफ द फॉर्म थी। अब रिक्वायरमेंट बी में क्या था, रिक्वायरमेंट बी में हमें वैल्यू ऑफ द फर्म दे दिया गया, उसमें से हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ जो डेट है वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। अब देखें कैलकुलेशन हमारे पास क्या किस तरीके से रिप्लेस हो रही है। अब फिर हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ इक्विटी की बेस पे क्या कैलकुलेट किया, के ई कैलकुलेट किया। ठीक है, कैसे कि नेट इनकम को हमने कैलकुलेट किया और उसके बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास के ई आ गया। हमारे पास ये ओवरऑल समरी थी जो हमारे पास वर्कआउट हुई है। ठीक है, उसके बाद अगेन मैं एक आपको चीज बताता जाऊँ, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट ए थी उसमें हमारे पास डेट कितना था, 20 मिलियन। ठीक है, और के ई कितना था हमारे पास, 12.5%, और के डी हमारे पास क्या था, 7%। ये इंफॉर्मेशन इसमें थी। जबकि बी में जब आए तो हमारे पास डेट कितना था, 30 मिलियन, यानी डेट को हमने बढ़ा दिया, लेकिन कास्ट ऑफ डेट यहाँ पे भी 7% रहा, लेकिन कास्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे क्या हो गया, 13.44%। ये हमने रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, अगेन एंड अगेन ये हमारे पास वही ग्राफ जिसमें हमने कहा कि डेट और इक्विटी के रेशियो हम जितना भी बढ़ाते जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, कास्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती जाती है। यानी जो कास्ट ऑफ इक्विटी आप देखें पहले 12.5% पे थी, जैसे ही हमने डेट को बढ़ाया 20 मिलियन से 30 मिलियन तक, तो कास्ट ऑफ इक्विटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई 13.44% पे आ गई। तो जो बेनिफिट हमें क्या मिलना था, डेट से मिलना था, वो इक्विटी यानी कास्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने से ऑफसेट हो गया। उससे रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास जो वैक था यानी के नॉट वो सेम रहा, यानी इन बोथ केसेस ए एंड बी 11.26% एंड 11.26%। ये आप क्वेश्चन के अंदर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये यही चीज क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी है जो हमें ये बताती है कि अगर कॉरपोरेट टैक्सेस ना हो, ठीक है, तो फिर जो डेट के बढ़ना है वो उसका जो फायदा होता है डेट के बढ़ने से वो ऑफसेट हो जाता है कास्ट ऑफ इक्विटी के बढ़ने से। होपफुली आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी फर्दर, लेकिन अगेन कंफ्यूजन होगी आपके लिए तो वो प्रैक्टिस मांगती हैं और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स मांगती हैं। तो दैट्स इट, आज का हमारा लेक्चर यही था। कोई क्वेश्चन है तो फर्दर आप कर सकते हैं।